नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है और आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रहस्य दुनिया। तो आज की वीडियो भी एक फैक्ट वीडियो होगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में, यानी बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। आपको उस सवाल का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपको उस सवाल का आंसर नहीं आ रहा है तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाके वो उस आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या आप एक ही समय में दो तरफ देख सकते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे एक ही समय में दोनों तरफ देखने का ये मतलब है कि एक आँख की पुतली तो इस तरफ, दूसरे आँख की पुतली इस तरफ, दोनों पुतली एक साथ इस तरफ होनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो चलिए कोई बात नहीं। वैसे ये सेम काम एक गिरगिट यानी एक कैमेलियन कर सकता है। क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहला डायनासोर कितने साल पहले आया था? तो इस दुनिया का सबसे पहला डायनासोर इस धरती पर 230 मिलियन साल पहले आया था, यानी कि 23 करोड़ साल पहले आया था पहला डायनासोर। क्या आपको पता है कि एक इंसान के शरीर में टोटल 629 मसल्स होती हैं? पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ जबकि ये सबको पता है, पर फैक्ट ये है कि एक कैटरपिलर में टोटल 4000 मसल्स होती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे आपका सर चकरा जाएगा। तो फैक्ट ये है कि सर स्टीफन हॉकिंग उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन गैलीलियो गैलीली मरे थे, और सर स्टीफन हॉकिंग उसी दिन मरे थे जिस दिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे। क्या आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस का नाम पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इस दुनिया के सबसे बड़े ऑक्टोपस का नाम एंटर ऑक्टोपस है और इसका वेट करीबन 71 किलो है। क्या आपको पता है कि जो एप्पल कंपनी अपने आईपैड्स बनाते हैं इतने बड़े बड़े, वो उसकी स्क्रीन कौन सी कंपनी बनाती है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एप्पल कंपनी तो अपनी स्क्रीन खुद ही बनाती होगी। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्पल कंपनी के आईपैड्स वो सैमसंग कंपनी को देती है अपनी स्क्रीन बनवाने के लिए। आपको तो ये पता ही होगा कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो बहुत देर तक रोता है। तो फैक्ट ये है कि उसके रोने को वेजिटस कहा जाता है, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी का जो रोना होता है उसे वेजिटस कहते हैं। आपने ट्रैफिक पुलिस के बारे में तो सुना ही होगा। तो साल 1925 में न्यूयॉर्क शहर में एक बार एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के रोड क्रॉस कर रही थी, तो उसी समय ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया। तो फिर उस ट्रैफिक पुलिस ने पूरा का पूरा ट्रैफिक रुकवा दिया सिर्फ और सिर्फ उस बिल्ली को रोड क्रॉस करने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं। तो क्या आपको पता है कि नेचर में कोई सी एक क्लाउड्स के बारे में बताइए जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर हो? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो क्लाउड्स में सबसे ज़्यादा रेयर क्लाउड्स हैं ममेटस क्लाउड्स। क्या आपको पता है कि जिस साल टाइटैनिक शिप डूबी थी उस साल लोगों को एक वर्ड लिखने के लिए टेलीग्राम में $1 देना पड़ता था? तो एक आदमी वो टाइटैनिक शिप में था, तो उस आदमी के पास सिर्फ $1 ही बचा था। तो वो आदमी ने अपनी माँ को उस $1 से लेटर लिख के भेजा, और उस वो वर्ड था सेफ। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 10 करोड़ साल पहले कि कौन सी जगह थी जो कि सबसे ज़्यादा
खतरनाक जगह थी। तो मैं बता देता हूँ, उस वक्त सबसे खतरनाक जगह सहारा डेजर्ट थी। ठीक है यूनियन, क्या आपको पता है कि रशिया देश में ईस्ट साइड में वहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक काराचे। तो वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित लेक है कि अगर कोई इंसान उस लेक के आसपास 1 घंटे भी रहता है तो वो मर भी सकता है। क्या आपको पता है कि सेब के बीजों में साइनाइड होता है और साइनाइड एक प्रकार का जहर होता है। तो अगर किसी आदमी ने 20 बीज खा लिए एक सेब के तो फिर वो मर भी सकता है। तो अब वीडियो के फैक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, और अब मैं आपको थैंक यू पहले करना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है सवाल पूछने का। तो सवाल ये है, वो क्या चीज़ है जिसमें बहुत सारी कीज़ हैं पर वो कोई भी ताला नहीं खोल सकती। तो आप इस क्वेश्चन का या कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।